देवी और सज्जनों नमस्कार। सुबह के 5:30 बजे मैं इस वक्त हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में और यहाँ की तो हवा में ही जो है यूट्यूब के डॉलर्स है, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं सौरभ जोशी भाई, मतलब यूट्यूब की दुनिया में एक तरह से कह सकता हूँ किंग ही है। तो जो भी है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था यूटीसी का एक नॉन स्टॉप वॉल्वो रूट देहरादून से दिल्ली। आज फिर से एक और नॉन स्टॉप रूट दिखाऊंगा जो कि है हल्द्वानी से दिल्ली, और इस वक्त मैं आ गया हल्द्वानी के बस स्टैंड पे। और बस जो है हमारी सुबह के 6 बजे है दिल्ली के आनंद विहार पहुंच जाएगी सुबह 11:30 बजे। 5.5 घंटे का टाइम है। वैसे तो कल मैं ऑर्डिनरी में भी 6 घंटे में आया, मतलब क्या मस्त चलाया कल। मैं ब्लॉग नहीं देखा दिल्ली से नैनीताल है मेरे चैनल पे ऑर्डिनरी में, और वैसे तो बस नॉन स्टॉप है लेकिन मैं इसका रूट बता देता हूँ। यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी से फिर रुद्रपुर, रामपुर, मुरादाबाद, फिर जो है हापुड़ साइड से एंटर हो जाएंगे अपन आनंद विहार। यहाँ से जो है रुद्रपुर तक रूट काफी अच्छा है, मतलब 2-लेन रोड है, दोनों साइड जो है जंगल है, तो वो सीनिक राइड में मजा आएगा। तो बस को बोर्ड कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने जर्नी किया था तब मैंने बोला था कि यूटीसी की बस नंबर जो है काफ़ी थोड़ी फैंसी टाइप की रहती है, 10, 10, 20, 20, 30, 30 ऐसे जो है फैंसी टाइप के रहते, पर इसमें नहीं है। सामान वामान डाल देता हूँ। तो बस को जो एक बार बोर्ड कर लेंगे यहाँ पे। अगर आप लगेज रखते हैं डिक्की के अंदर तो आपको एक लगेज टैग मिल जाता है। भले ही थोड़ी बारिश है इसकी वजह से जो है यहाँ पे कीचड़ हो गया, लेकिन बस जो है नॉर्मली साफ है। चलो जो भी है सीट्स ऐसे हैं। और उत्तराखंड में जो है मेरा प्लान था कि अल्मोरा हिल्स वगैरह एटलीस्ट करके आऊँ, क्योंकि लोगों से मैंने पूछा था कि क्या करना है, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हुआ नहीं। रीज़न मैं बता देता हूँ। मैं आया था नैनीताल, फिर नैनीताल में रुकने वाला था, अगले दिन सुबह जो है मैं अल्मोरा निकलने वाला था। तो हुआ क्या, नैनीताल में पहुंचा तो कंडीशन जो अभी कुछ ख़राब है। लोकल बसें जो यहाँ की चल नहीं रही, मतलब लोगों ने मेरे को बताया, यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं, तो उस वजह से रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब घुसने की जगह नहीं मिल रही, उसमें से अब सामने की सिर्फ 2 ही सीट बचती है मुश्किल से जिस पे वीडियो ले सकता हूँ मैं, और ऊपर से जो है सामने बोनेट वोनेट के ऊपर भी जो है 3-4 बंदे बैठ जाते हैं, तो वीडियो लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। सीनिक नजारे आने वाले हैं, तो अपन लेते हैं कैबिन राइड।
हाँ सुबह के जो है 7:15 बज रहे, पहुंच गए उधमपुर। वैसे तो नॉनस्टॉप है लेकिन बुकिंग जो है कुछ पैसेंजर्स ने हल्द्वानी से करवा रखा था, उनको जो है पिकअप कर लेंगे, निकल जाएंगे। उधमपुर का नाम जो है उधम सिंह नगर भी है। यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, आतारिया टेम्पल। बाकी यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत है, अशोक लेलैंड की फैक्ट्री है जो मैं सोचा था कि दिखा पाऊंगा लेकिन वो जो है दूसरी तरफ है। बाकी कुछ नहीं यार, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वो सीनिक नज़ारे अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। ये जो है काफ़ी पुरानी और एंशियंट सिटी है। यहाँ पे जो शुगर और कॉटन मिलिंग इंडस्ट्रीज के अलावा एक लाइब्रेरी भी है, राजा लाइब्रेरी। तो वहाँ पे जो है पुराने पेंटिंग्स, कुछ मिनिएचर्स, ये सब है। बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी एक्चुअली। और यहाँ पे ये आपका रामपुर स्टेशन। बाकी कहा जाता है कि रामपुर का जो अवधी क्विजिन है, मुगल क्विजिन, वो भी बहुत फेमस है। इनके कुछ मसाले वगैरह में कुछ खास रहता है। तो देखी थी मैंने भी एक वीडियो देखी थी इससे रिलेटेड रामपुर की। तो ऐसा है यहाँ का अच्छा कुछ खाना। ये जो है ये कोसी रिवर है, पानी तो नहीं है बिल्कुल। ऑटोमेटिक ही मान लीजिए, और ये सब तो टेक्नोलॉजी है।
सुबह के जो है गाइस 9 बज रहे हैं, हम रुके हैं हमारे ब्रेकफास्ट हॉल्ट पे। इस रूट में मैंने एक खास चीज़ देखी, यहाँ पे हर ढाबा, ऑलमोस्ट हर ढाबा 95% इस रूट पे जो है शिवा ढाबा है। पता नहीं कौन सा असली कौन सा नकली क्या क्या है, जो भी है ये देख लीजिए, शिवा टूरिस्ट ढाबा मनोज, मतलब सब जो है नाम में कुछ ना कुछ इधर उधर करते थे, शिवा टूरिस्ट, फिर न्यू शिवा, फिर शिवा पैराडाइज, जो भी, मतलब ऑलमोस्ट जो है हर किसी के नाम में जो है शिवा ढाबा ऐसा कुछ है। कुछ खाना वाना आज खाएंगे, कल सुबह जब मैं नैनीताल जा रहा था कुछ खाया हुआ नहीं था, अभी खाएंगे और चाय वाय पीते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी। तो खाने वाने की बात करें, यहाँ पे सुबह आपको पराठे मिल जाएंगे, बाकी रेट्स का आइडिया देता हूँ। पनीर पराठा 80 का, मैंने पनीर पराठा लिया है और ऐसा है बटर बटर डाल रखा है, सही है। शायद भाई को मेरा कैमरा पहले दिख गया था लगा के इसको ज़्यादा वाटर देना पड़ेगा, तो यही है। और साथ में दिया है अचार, दिया है चाय, दिया है एक पानी का बोतल लिया है। तो ये सब खाने के बाद जो है मैंने सोचा कि आइसक्रीम भी खा लेंगे। अच्छा खासा स्टफ्ड है पनीर पराठा, थोड़ा सा बटर लगा के, स्टफिंग भरपूर है, थोड़ा जो है मोटा है पराठा तंदूर का, और बस ये कि थोड़ी सी मेरे को लग रही है कि थोड़ी थोड़ी जो ना मैदा ही कच्ची है। और हाँ, मेरी जो है आइसक्रीम भी आ गई, अमेरिकन नट्स लिए आपकी बार, और इसमें तरह तरह की चीज़ें डाली हुई है जिसका मेरे को नाम नहीं पता, तो माफ़ करें। तो 115 जो है खाने का हुआ है और 80 आइसक्रीम का, तो 215 का तो आज ब्रेकफास्ट हो गया। जो भी है 80 का आइसक्रीम था, टेस्ट अच्छा है, पर क्या कर सकते हैं, ऐसी प्राइस जो रहते हैं ढाबे वगैरह पे। जो है गंगा वगैरह क्रॉस कर चुके हैं, हाँ लोकेशन है अपना ब्रिज घाट, कुछ फंक्शन वंक्शन था शायद, कुछ पूजा वूजा थी, तभी जो है बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। खिड़की नहीं है इनके पास, तो एक खिड़की नहीं है इनके पास, तो क्या हालत हो रही होगी।
लगा दी लगा दी। और देखिए हाँ, नॉर्मल वॉल्वो बसें जो है उनका कुछ 7-7.5 घंटे टाइम लगता है हल्द्वानी से दिल्ली। कल वैसे मैं बहुत ही सुपरफास्ट ऑर्डिनरी में गया था, सुबह 7 बजे चली थी, सरदार जी थे बहुत बढ़िया चला था, 6 घंटे 5 मिनट में जो है हल्द्वानी पहुँच गए थे। रुके भी यार बहुत जगह थे, मतलब फिर भी जो है पहुँच गए थे। तो जो भी है हाँ, उसको छोड़े तो अपन आज आ गए हैं भाई सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे 5-10 मिनट में, विथ 30 मिनट हॉल्ट, 30 मिनट जो है ढाबे पर रुके थे खाना खाने के लिए। तो वो बहुत होता है कि आप जो है 4.5 घंटे ड्राइविंग टाइम में ऑलमोस्ट आ रहे हो 300 किलोमीटर। तो यूटीसी को जो है सबसे पहले तो सैल्यूट कि भाई ऐसे नॉन स्टॉप सर्विस है आपके वॉल्वो के, कहीं रुकते उकते नहीं। रुद्रपुर तो चलो सवारी बिठाने के लिए रुक गई थी एक बार, बाकी कुछ नहीं यार। जो ड्राइविंग था आज बहुत अमेजिंग था, मतलब 80 पे क्या है जनरली मेरे को मज़ा आता नहीं है, लेकिन आज ड्राइविंग उन्होंने ऐसा किया 80 पे में भरपूर मज़ा आने लगा। ऊपर से बारिश थी, जंगल था, तो और जो वो बात है ना कि कल ही मैं इस रूट से हल्द्वानी गया हूँ, आज फिर आ रहा हूँ तो थोड़ा बोरिंग होगा, वैसा नहीं है। मज़ेदार राइड थी हाँ, मज़ेदार बातें हुई, मज़ेदार वेदर था हाँ, तो हो गया। खास करके ये जो लास्ट 1 या 1.5 घंटा जो है हाँ, काफ़ी मज़ा आया। और मेरे सब्सक्राइबर्स जो उत्तराखंड से, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँ क्योंकि इस बार जो है जो रूट्स आपने बोला थे अल्मोरे वगैरह वो सब कर नहीं पाया मैं। रीजन बिंग की देखो बारिश बारिश ऊपर है, ऊपर क्राउड है हाँ, लोकल बसें जो है थोड़ी कम है हाँ, मे बी स्टाफ जो है छुट्टी पे गए हैं तो इसलिए जो है हो नहीं पाया आपकी बार।
लेकिन मैंने बोल दिया कि प्रॉपर जो है सीरीज करेंगे आपके लिए, बस आप अपना सपोर्ट देते रहना। हमेशा जो है मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट कवर करूँ इक्वली, कोई भेदभाव जो है नहीं करूँ, बस यही है। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और व्लॉग में कोई और रूट एक्सप्लोर करते हुए। आज यहाँ से मैं चले जाऊँगा अपना घर, ट्रिप एंड, मेमोरी फुल है, इसलिए जो है गोप्रो भी मैंने जो है डाल दिया ऑलमोस्ट। गोप्रो कहाँ गया, डाल दिया था शायद बैग में, बस चेक भी कर लेता हूँ। तो जो भी है इस व्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ, किसी और रूट को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।